big development of the hour for following Member of the Parliament Kalyan Banerjee's mimicry of Vice President Jagdeep Dhankar. The member of the Jat community are now protesting in support of the Vice President. The members of the community said that if Kalyan Banerjee does not apologize to Jagdeep Dhankar, they will call for a bigger meeting and protest against the TMC. कि हमने पंचायत नहीं बुलाई, हमने एक मीटिंग बुलाई अपने प्रमुख लोगों की और हम आज तय करेंगे कि या तो टीएमसी के सांसद जल्द से जल्द माननीय उपराष्ट्रपति जी से और देश के करोड़ों किसानों से माफी मांगे और अपनी गलती का एहसास करे, अन्यथा हम जल्द से जल्द आज ही तय कर एक पंचायत बुलाएंगे, बड़े स्तर की पंचायत बुलाएंगे और इनका विरोध करेंगे, प्रमुखता से करेंगे और हो सका तो टीएमसी के सांसदों का मकान भी घेरेंगे। आज ये सभा पालम 360 के प्रधान आदरणीय सुरेंद्र सोलंकी जी और रामकरण राजेंद्र डागर जी की अध्यक्षता में यह पंचायत बुलाई गई है और जब से यह वीडियो वायरल हुई है, देखिए जिस प्रकार से हमारी खापो पंचायतों का पुराना इतिहास है उसी प्रकार से देश की आजादी के बाद लोकतंत्र देश की सबसे बड़ी पंचायत अगर कहीं है तो वो संसद है और उसके अंदर किसान परिवार के जन्मे एक व्यक्ति जो जगदीप धनखड़ है उनका मजाक टीएमसी के सांसद के द्वारा बनाया जा रहा था और लोग वहां पर दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के ऊपर 75 साल से लगातार राज करने वाली पार्टी का एक सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी वहां पर वीडियो बना रहा है, ये देश के किसानों का अपमान है। क्या ये एक सोशल मीडिया का स्टंट था क्या, जो जब वो लोग सोनीपत में जाकर और धान रोपाई करते हुए अपनी वीडियो बनवा रहे थे, तो ये मात्र एक मजाक है किसानों के साथ कि किसान का बेटा अगर संसद में बैठा हुआ है और राज्यसभा का सभापति है तो उनकी मिमिक्री का वीडियो राहुल गांधी बना रहा है। और इस पूरे विषय पर यदि इन लोगों ने माफी नहीं मांगी तो उनके घरों का घेराव किया जाएगा और हर जगह उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यही है कि माफी मांगी जाए, पुनरावृत्ति ना हो इस तरह के व्यवहार की। और ये जो एक ग्रामीण किसान परिवार से अगर एक बड़े पद पे जाते हैं तो उसको सहन नहीं कर पाते हैं, तो वही हमें दुख है। और ये हम ना चाहते हुए ये आंदोलन का रूप ना ले ले, तो हम यही चाहते हैं कि इसको क्षमा मांग के और अपना बड़प्पन का वो करके क्षमा, वो कहते हैं बड़ों को शोभा देती है, तो इनका बड़प्पन होगा, क्षमा मांगेंगे और दोबारा ना करने की। हालांकि वो जो सांसद है उनके खिलाफ पता चला है कि डिफेंस कॉलोनी थाने में FIR हो गई है, बट इसका सामाजिक तौर पे वो क्षमा मांगेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। यही है कि कहां से है ये राम सिंह, अ नंबर ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर कमिंग इन, रिस्पॉन्सेस पोरिंग इन राइट फ्रॉम द स्टार्ट वेयर Kalyan Banerjee came out and said this is an art, mimicry is an art and therefore Jagdeep Dhankar should not be upset. जगदीप धनखड़ के समर्थन में अब विरोध प्रदर्शन में किया गया है और खास तौर पर बात करें तो पालम में 360 खा प्रधान सुरेंद्र सोलंकी द्वारा ये भी एक बैठक बुलाई गई है और टीएमसी सांसद कल्याण सिंह बनर्जी द्वारा जिस प्रकार से मिमिक्री की गई है उसका लगातार जो है विरोध हो रहा है और माफी मांगने को लेकर भी जो है अपील की जा रही है। और खासतौर पर जिस प्रकार से बात करें तो लाखों किसानों से वो माफी मांगे, ऐसी बात उनके द्वारा कही गई है। बैठक में ये भी ऐलान किया गया है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो पूरे ऐसा ना हो कि एक बड़ा आंदोलन का ये रूप ले ले, लेकिन उन्होंने इसको मिमिक्री को काफी दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी द्वारा जो वीडियो बनाया गया उसको भी यहाँ पर निंदा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो हरियाणा में अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा भी जो है बयान सामने आया है, उन्होंने कल्याण सिंह बनर्जी द्वारा जिस प्रकार से एक हास्यपर्द मिमिक्री जो है वो किया है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि उनकी सदस्यता जो है वो भंग कर देनी चाहिए और उन्हें चिड़ियाघर भेज देना चाहिए। इस प्रकार लगातार विरोध देखने को मिला और लगातार खासतौर पर जिस प्रकार से
उपराष्ट्रपति का ये जो इस प्रकार से मिमिक्री की गई है और इसको काफी अपमानित तौर पर देखा जा रहा है, और इसलिए जो है लगातार जाट जो नेता हैं या फिर किसानों में जो है इस प्रकार का रोष देखने को मिल रहा है, और माफी के लिए वो लगातार कह रहे हैं कि माफी मांगे नहीं तो एक बड़ा आंदोलन होगा। जी फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन।